हमारे साथ मणिशंकर पांडे जी हैं, यूपी लोजपा के अध्यक्ष हैं सर। आज चिराग पासवान बिहार बीजेपी के प्रभारी और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव से मिले, तो आप भी साथ में थे। क्या यूपी में भी आप लोग चाहते हैं कि लोजपा को कुछ सीट मिले चुनाव लड़ने के लिए? उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी का जो काम प्रारंभ हुआ है, उसके संगठन को देखते हुए, उसके कार्यविधि को देखते हुए हम लोग सोचते हैं कि एक अच्छा तालमेल बने और पार्टी को उसका लाभ मिले। बस इसी सब चर्चे पर बात हुई है। सीटों के संबंध में हाईकमान का काम है, उनका सोचना काम है, लेकिन ये जरूर है कि लोजपा का किस तरह से इस्तेमाल होगा, इसकी विषय में चर्चा हुई है। आप यूपी लोजपा के अध्यक्ष बने तो किस तरह से वहाँ संगठन को और मजबूत बना रहे हैं? देखो, पूरे प्रदेश में अभी तो हमने दौरा करना शुरू किया है, आगे आने वाले दिनों में पार्टी की कमेटियाँ आ जाएंगी और काफ़ी प्रदर्शन रैली जिस तरह से भी होगा, ये सब करके मजबूत कर रहे हैं। और आज जो स्थिति दिखाई दे रही है, लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश में काफ़ी मजबूती की तरफ अग्रसर हो रही क्या है। क्या लोजपा की अगर उभरती है यूपी में तो मायावती को कोई नुकसान होगा कि नहीं? निश्चित होगा, किसी के नुकसान का सवाल नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुँचेगा। एक आखिरी सवाल, फिर भी अगर ये पूछा जाए कि कितने सीटों पर आप लोग यूपी में लड़ना चाहते हैं, तो सीटों का सवाल नहीं, ये तो हाईकमान का काम है, उनको तय करना होगा। आपकी इच्छा है लड़ने की? लेकिन ये हाईकमान पे डिपेंड करता है, मेरी इच्छा अनिच्छा का सवाल नहीं होता है, पार्टी का दायित्व बनेगा। लेकिन पार्टी का जो हमारा स्वरूप है, उसका इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में हो, ये जरूर माननीय चिराग पासवान जी ने बात किया है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करते यूपी लोजपा अध्यक्ष मणिशंकर पांडे जी। सुशांत कुमार, ईटीवी भारत, नई दिल्ली।